मसूरी देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। समाज सेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष कोनियाल ने मसूरी देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर कई प्रश्न उठाए। उन्होंने एक ज्ञापन प्रेषित कर मुख्यमंत्री को इसकी जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है, मसूरी देहरादून मार्ग पर चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, साथ ही कई वृक्ष भी इसकी चपेट में आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें विभाग की मिलीभगत से अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहाड़ काटने से बेहतर होता है कि कार्यदायी संस्था सड़क के किनारे पुश्तों का निर्माण करवाती, इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लगातार मसूरी देहरादून मार्ग पर पहाड़ों से मलबा भी आ रहा है, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसे लेकर उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। आपके द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है ज्ञापन में, आपने क्या क्या मांग की? इसे मैंने जो SDM को आज मैंने ज्ञापन दिया, उसे मैंने लोक निर्माण विभाग, चूँकि लापरवाही इतनी बेकदर है कि उन्होंने जो पर्यावरण खराब करा, जो 1.5 साल से जो इन्होंने पत्थरों को तोड़ने का काम करा, पहाड़ों को तोड़ने का काम करा, उसे मैंने आज ज्ञापन दिया है। उसे मैंने एक सांसद को और पर्यावरण वन मंत्री को और सचिव सरकार उत्तराखंड सरकार सचिव मुख्यमंत्री जी को और क्षेत्र जो विधायक हैं सिटिंग विधायक हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा मैंने। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ज्ञापन सौंपा मैंने तो उसमें जो है लाखों की संख्या में जो हमारे पर्यटक आते हैं तो उनमें काफ़ी उनमें बेहतर जो मसूरी नामों से जानी जाती है उत्तराखंड में, तो उसमें काफ़ी इसका नाम खराब हो रहा है मसूरी का। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारे लोक निर्माण ने अपनी भंडार बांट करी है, इसमें करोड़ों का इसमें घबला हो रखा है, और दूसरा इसमें इन्होंने चहितों को ठेकेदारों को चहितों को दे रखा है इसमें, और इसकी जाँच होनी चाहिए और आने वाले टाइम में भविष्य में इसमें बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। क्या लगता है आपको कि पहाड़ काटने की बजाय आदमी को उनको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? इसमें तो मैं चाह रहा हूँ लोक निर्माण विभाग को पहले जो 1.5 साल पहले जो उन्होंने पहाड़ जो रोड चौड़ीकरण किया उसमें जो पहाड़ काटे उसमें पहले पुस्ता लगाने चाहिए था, उसी हिसाब से इनको पहले इनका ट्रीटमेंट उसको देखभाल करना, पर ये सोए थे 1.5 साल से, अभी तक ये सोए हैं। अब बरसात नज़दीक आने वाली है तो अब ये जागने में तैयार हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद आप किस तरीके के आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन कैसे करेंगे? इसमें मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ लोक निर्माण विभाग को, अगर इसमें जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं करी बरसात से पहले तो इनको खुली चेतावनी दे दो, धरना प्रदर्शन की मैं खुली चेतावनी देता हूँ इन्हें।